हेलो भाई लोग, तो कैसे हो? स्वागत हो गया है आप सभी का माइनक्राफ्ट सर्वर के नए एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में आपको याद होगा हमने बनाई थी वो जो पीछे दिख जाए आपको बहुत बड़ी सी एक भेड़, जिससे हमें मिल सके बहुत अलग अलग टाइप की वूल्स। और जिसने भी मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ज़रूर से देख लें, ठीक है। और आज देखो यहाँ पर मैंने बिल्ली देखो पकड़ के रखी हुई है, और आज मेरी बिल्ली पकड़ने का मकसद सिंपल है भाई। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक, मतलब इतना इंसेंट तो नहीं बोलोगे बट हाँ नॉर्मली एक गन पाउडर फार्म बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बिल्ली पकड़ के रखी है, लेकिन पता नहीं लग ये खाना क्यों नहीं खा रही है। लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी है। मैं जब मछलियाँ पकड़ने गया था मैंने गलती से फायर एस्पेक्ट वाली से मार दी मछली, तो पानी में ही मुझे पकी पकाई मछलियाँ मिल गई। तो चलते हैं फिलहाल के लिए, तो इसके लिए मछली लेकर आते हैं, और भाई फिर टेम भी करनी है मछलियों को, बिल्लियों को टेम करनी है। इन मछलियों ने इतना दिमाग ख़राब किया है ना मत पूछो भाई, कसम से ये मछलियाँ इतनी रेयर हो रही हैं, इतनी रेयर हो रही है भाई, मैं इधर उधर तालाब में जाकर ढूंढनी पड़ रही है मेरे को ये वाली मछलियाँ जो ये खाती हैं। इन बिल्लियों के भी अलग ही नखरे भाई, ऐसा नहीं कि कोई भी मछली पकड़ के खिला दो, नहीं भाई इनको यही वाली खानी है भाई, इनको मंगूर मछली ही खानी है। लेकिन ये गई, मतलब ऐसे कुछ शिकारी हूँ ना मैं, ओ भाई इससे दूर रहना चाहिए हमको। ये छोटी सी और क्यूट दिखने के बावजूद अपने सर में दिमाग खराब करती है। चलो भाई चलते हैं, अभी तीन मछलियों में तो हो ही जाएगा उसका काम भाई, कितना ही खा लेगी ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तीन फिश में भी अगर उसका नहीं हुआ भाई इतनी बड़ी भुक्कड़ थोड़ी है। नहीं इसी तरह से चलते हैं खामा का, उस तरह से फिर ज़्यादा घूम कर जाना पड़ेगा, है कि नहीं। और यार एक बात है, पिछली वीडियो में जो मैंने शिप बनाई है, क्या मतलब वो आप लोगों को प्यारी नहीं लगी क्या? मतलब देखने में मतलब उसकी गुलाबी गुलाबी गाना आपको अच्छी लगी क्या? मतलब सपोर्ट अपोर्ट नहीं दिखाया, मतलब ऐसा कुछ, मतलब हाँ तो सपोर्ट दिखाओ ना भाई, मुझे पता है वो अच्छी है भाई, देखो कितनी प्यारी लग रही है, देखो उसको एक बार। लेकिन एक सेकंड, वो तो प्यारी लग रही है लेकिन अब ये कहाँ चली गई? अरे मेरी लीडिंग कहाँ गई? भाई क्या हरकत है भाई, क्या हरकत है, ये किधर गई भाई, ये कहाँ गई? आसमान खा गया है, पाताल निकल गई, कहाँ गई बिल्ली मेरी? शेर, शेर कह रहा मैंने कुछ नहीं किया, कहीं शेर तो नहीं खा गया? क्या मतलब होगा था, घर के अंदर तो नहीं आ गई कहीं? अब घर के अंदर कैसे आएगी यार, मैं भी अजीब पागल हूँ भाई, गई किधर लेकिन को यार। चलो भाई यार खाना खाते हैं। और भाई सबसे पहले ना भाई देखो, आज मैंने सोचा है ना भाई, हम लोग कोई भी बिल्ड बनाने से पहले भाई नीचे खोदने के लिए जाते हैं भाई, स्टोन या हम जो भी ब्लॉक यूज़ करते हैं वो हम लोग खोदने जाते हैं, ठीक है। तो हम आज बनाने वाले हैं भाई स्टोन जनरेटर, ठीक है, बेसिक सा स्टोन जनरेटर, ठीक। उसके लिए पहले डबल चेस्ट लगा देते हैं यहाँ पर कुछ तरीके से, हाँ चार लगा देते हैं, और मैं काफ़ी ज़्यादा डीलक्स हॉपर भी लेकर आया हूँ तो हॉपर भी लगा देते हैं, टिचुक टिचुक टिचुक, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक लगाने कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से लगाने हैं आपको भी उसी प्रकार से लगाने हैं, जिस प्रकार से मैं लगा रहा हूँ आपको भी उसी प्रकार से लगाने, क्योंकि वो प्रकार सबसे अच्छा प्रकार है मेरे प्रकार के हिसाब से। और यहाँ पर मैं ग्लास इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ना आराम से चेस्ट खुल सके, वरना मैं यहाँ पर कुछ और भी लगा सकता था, बट थोड़ा ऐसा है ना लुक भी मेंटेन हो जाता, अरे बताने के चक्कर में ये चीज़ें हो जाती हैं, लुक भी मेंटेन हो जाता है अगर वहाँ पे कांच लगा दो ना, बढ़िया दिखता है अगर बाहर से कोई देखे बातचीत तो। अभी देखें यहाँ पर इसके ऊपर लगा देते हैं, चलो अभी यहाँ पर नहीं लगाएंगे, देखो ऊपर गोलम कैसे उचक उचक के देख रहा है उसको ज़ॉम्बी को। फिलहाल के लिए यहाँ से वाटर बकेट लेते हैं, कितनी चाहिए हमें, एक दो तीन चार, ठीक है। अरे एक तो गिर गई यहाँ पे, क्या चक्कर है, वाह वाह चलो कोई नहीं, चार तो हैं आई थिंक हम लोगों पर, हमने चार उठा लिए मेरे को जहाँ तक लग रहा है ऐसा, क्योंकि आठ थी हमारे पास, तीन खाली पड़ी हैं, है ना, एक हाँ मुझे पता था, और वे पाँच है क्या मेरे पास भाई, ये बड़ी खतरनाक चीज़ हुई भाई। चलो ये डाल दिया इस तरीके से, ये डाल दिया,
अरे मेरी टॉर्च उठ रही है। टॉर्च उखड़ गई यहाँ से। चलो भाई वाटर बकेट सारी वापस में रख ली और अब इसको पकड़ लेते हैं और चलते हैं फटाफट। देखे जरा, बस मैं भूल गया था हमारे पास एक वाटर बकेट पड़ी हुई है अंदर। ट्रैप डोर देख रहे हो तुम्हारे भाई ने कितने इकट्ठे कर रखे हैं। मतलब अगर क्रीपर फार्म बना रहे हो और अगर ट्रैप डोर ना लिए फिर तो भाई कोई मतलब ही नहीं है। चलो भाई ये तो बस यहाँ पर भी लगा देते हैं और कुछ इस तरीके से ये हुई वाटर बकेट कैडी वाली। अब चलते, ओ एक और बिल्ली आ गई यहाँ पर। चलो चलते हैं लावा लेकर आते हैं। फिलहाल तो सबसे पहले लावा लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने ये भी साइन बोर्ड भी बना दिया है। और साइन बोर्ड में हमेशा हम लोग कुछ यूजिंग करने का सोचते, तो इस बार हमने सोचा इसका नाम रखे लल्लू। ठीक है, क्योंकि लल्लू नाम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम है जो कि मैं कभी नहीं रखना चाहूँगा अपनी रियल लाइफ में अपना नाम। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ झापे मारी होने वाली है। मेरे ब्लॉग ख़त्म हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। ब्लॉग निकाले, अब इसको ऐसा है ना अपन लोग बनाएंगे इसको मस्त रूम टाइप का जिसमें आराम से बैठ के अगर मैं एएसके लगा दूँ तो पीछे आके क्रीपर मेरा स्वागत ना कर दे। इसको हम पूरा ढक देंगे, इसको पूरा एक रूम टाइप का बना देंगे ना, रूम टाइप का बना देंगे। मतलब रूम इन द सेंस मेरे खड़े होने की जगह होनी चाहिए और मैं तोड़ सकूँ वहाँ पर, बस इतना ऐसा सीन। अब यहाँ पर से ना, हाँ यहाँ पर हम लोग खड़े हो सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, यहाँ पर लगा देंगे इसे। इसको ये सब तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अपने पास थोड़ी ये ना ब्रेक कम पड़ गई है। यहाँ से लावा निकाल लेते हैं, लावा लेकर आए हैं तो थोड़ा सा बाहर से डाले क्या, नहीं छोड़ो अंदर से ही डालते हैं। कहाँ से डाले है समझ में नहीं आ रहा है, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली बात हो गई। अंदर से ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं। फाइनली, चलो भाई वर्किंग गाइज, गाइज वर्किंग वर्किंग गाइज। ठीक है, अब देखो क्या करना, थोड़ा इसको देखो है ना, ये थोड़ा अजीब सा लुक दे रहा है, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और एडजस्ट करने के लिए ऐसा था नहीं कि कोई तो हम दूसरे ब्लॉक लेकर आएंगे, नहीं हमें यही वाले ब्लॉक लेकर आने पड़ेंगे। ये देखो गाइस, ये देखो साइड से ऐसा है ना दिखता रहेगा ये चीज़। चलो फटाफट से वाली ब्रिक लेकर के आ जाते हैं और बनाना शुरू करते हैं इसको फटाफट फटाफट इस तरीके से। पूरे डब्बा बना देंगे, कोई कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है भाई, इसमें ज़्यादा दिमाग खपाना नहीं चाहिए ऐसी सब चीज़ों में। बस अब कुछ नहीं करने का है, अपने को जाने का है अंदर और ये देखो बैठ जाना है तोड़ने के लिए। बस देख रो ना, मतलब कुछ इस तरीके से होती है चीज़ें। अब भैया हम लो ये देखो 8 आ चुके हैं, 7 7 3। ये मतलब लास्ट वाले में थोड़ा कम ही आता, पता नहीं क्यों, मतलब वहाँ तक ना वो पहुँच ही नहीं पाता, उतने में आगे वाले बिल्ड हो जाते हैं स्टोन। वापस से इसको रख देते हैं, सब कुछ एडजस्ट कर देते हैं ना, सब कुछ एडजस्ट करना चाहिए। चलो ये ले लेते हैं, ये मैंने क्यों लिया है ये इसीलिए, मुझे पता है आप लोग समझदार होंगे, आपने मुझसे पहले पता लगा लिया होगा। यहाँ पर एक आयरन गेट लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से, बस एक बार में लग जाए सही। अरे बहुत बढ़िया, अब तो लग रहा मैं गेट लगाने में चैंपियन हो चुका हूँ। बस ये चीज़ बटन दबा के अंदर रुक जाए सेकंड, यहाँ से बटन हटा देते हैं मेरे को लग रहा है। अरे 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 रुक जा रुक जा रुक जा, कहाँ कहाँ पूरा ही तोड़ देगा क्या इसको। बटन को लगाएंगे हम ऊपर, क्या पता भाई मैं भरोसा नहीं कर सकता इस गेम पर भाई, कुछ भी हो सकता है भाई, क्या पता भाई क्रीपर गेट खोल के अंदर आ जाए और बोले क्या बात है भाई क्या कर रहे हो। चलो भाई अब थोड़ी देर में एएफके लगा देता हूँ क्योंकि अभी हमें क्रीपर फार्म भी बनाना है। ठीक है, F3+T से
भाई इतना इनफ रहेगा मेरे को, जहाँ तक लग रहा है इतना इनफ होना चाहिए भाई। अरे बहुत है भाई बहुत है, इतना तो भाई मत ही पूछो भाई, इतना तो बहुत है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 5 मिनट भाई, मैंने 5 मिनट किया होगा भाई, 5 मिनट एफ के किया होगा मैंने। देख लो मेरी, तुम पिकेक्स देख लो ना कितनी डैमेज थी और कितनी डैमेज है, पता लग जाएगा आपको उतने में। मैं को रिपेयर करके थोड़ी लाया हूँ। मस्त भाई, वो भाई कितना सारा होगा भाई 2 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर। एक होता है ना डायलॉग बन जाता है भाई 2 मिनट वाला, तो भाई वही इसको भी इसी के अंदर रहने देते हैं, छोड़ो ट्रैप डोर भी रहने देते हैं इसी के अंदर। यहाँ पर रख दिया इसे बस, और किसी में तो नहीं बचा, इसमें 2 बचे हैं। चलो इसको रख देते हैं यहाँ पर, ट्रैप डोर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है भाई। सामने देखो भाई, सामने देखो, साइड में देखो, सामने गाइस 2 बिल्ली है भाई, पकड़ लेते हैं फटाफट, चल गए इसकी मौसी का। अरे ज़ॉम्बी तेरे से डरूंगा क्या, निकल जा साड़े। अरे भाई चलो एक पकड़, एक तो पकड़ में आ गई। अब भाई मेरे को बिल्लियाँ पकड़ने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, मेरे को ऐसी फील आ रहा है अंदर। देखो एक बिल्ली वो रही, लेकिन मेरे पास मछली आनी है यार। इन मछलियों ने मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया भाई, कसम से मजाक छोटे भाई। इतनी सारी मछलियाँ पकड़ी मैंने, और पकड़ी तो क्या पता चला भाई कि वो पकी हुई है भाई जी। यार क्या किस्मत ख़राब है मेरी, मैं इतना लापरवाही से काम कैसे कर सकता हूँ भाई, ये कैसे कर सकता हूँ, कैसे कैसे कैसे। चलो भाई चलते हैं, वैसे भी रात हो रही, सो जाते हैं ठीक है। लेकिन सबसे पहले खाना खा लेते हैं, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा कमजोरी आ गई है पैरों में, घुटने चर चर बोल रहे हैं। एक सेकंड, मतलब वो मेरी तिलस्मी चेस्ट वहाँ क्या कर रही है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, मैं उसको लेना कैसे बोल सकता हूँ। लेकर आते भाई इसको, ये ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ छोड़ना चाह रही है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मतलब इस एंडर चेस्ट से कुछ ऐसा हो जाए, मतलब कि हम कहीं भी जाएं तो वहाँ से ऐसा सामान इसके नीचे हॉपर लगा दो, मतलब वहाँ से सामान डालते जा रहे हो और यहाँ पर सामान कलेक्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, मतलब ये किसी ने कभी ट्राई किया है क्या, मतलब जानना चाहूँगा कोई है क्या मेरी तरह यहाँ पे इतना क्रिएटिविटी वाला। चलो यार इस पे तो कुछ नहीं करने का अपने को, अपन लोग इसी से बनाएंगे ठीक है, चार चार कम से कम एक बार में तो बनेगा। मैं खा मैं ना अपना दिमाग लगाता हूँ सस्ता वाला। चलो भाई जो ये है इसको भी रहने नहीं देते हैं, इसको भी बना लेंगे अपन लोग। वैसे मैं खाना क्यों रख रहा हूँ इधर पे, मेरे को ये समझ में नहीं आया, एक वाटर बकेट ज़रूरी है इधर पे। चलते हैं, नहीं एक सेकंड, मैं चल क्यों रहा हूँ, मैं क्यों चला वहाँ पर, पहले सोएंगे अपन लोग ठीक है। हाँ सोना इज इम्पोर्टेंट, सोना इज इम्पोर्टेंट, गुड। चलो भाई लोग, वो देखो 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 देखा मेरी वीडियोस में शुरू से ही आपको मतलब ऐसा है तंदूरी ज़ॉम्बी मतलब हमेशा मतलब अवेलेबल रहता है आप लोगों के लिए, आपने नोटिस किया भाई। देखो 2 ऊपर हैं और देखो आगे भी बहुत सारे दिख गए होंगे आपको। अब देखो करना कुछ नहीं है, आपने बिल्ड करना शुरू करते हैं क्रीपर फार्म ठीक है। हमें 13 की वो बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 यहाँ पर 3, और इसका हमें बना लेना है स्क्वायर अटैक पर ठीक है, फिर 1 2 और 3 और फिर 1 2 3 4 और यहाँ से फिर वैसे ही करके 13 सामने से मैच कर देना है, और सेम पैटर्न जो सेम पैटर्न इधर बनाया वही सेम पैटर्न उस तरफ 1 2 3 4 1 2 3 और यहाँ पर ब्लॉक बनाना है, और अगर ऐसे टॉर्च बीच में आए तो उसको तोड़ दो, या कुछ और चीज़ बीच में आए तो उसको तहस नहस कर दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। अब इसी की एक लेवर ऊपर उठा लेनी है ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। तो हो चुकी है भाई लोग, देख रही हो ना तुम्हारे भाई का वर्किंग ठीक है। अब यहाँ से तोड़ लेते हैं इसको ठीक है, ताकि हमें अगर फ्यूचर में कुछ भी काम पड़े
तो हम फटाफट से ये कर सके, ला सके यहाँ से भागते हुए। यहाँ पे पहले टॉर्च लगा लेते हैं, पता चले पहले ही क्रीपर स्पॉन हो गया अंदर, और जैसे ही मैं आ रहा हूँ और फिर वो बोल रहा है स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो फटाफट से कारपेट ले करके आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कारपेट लगेगी हमको यहाँ पर, है ना, वो भी रंग बिरंगी टाइप की। तो लेकर आ गया हूँ मैं, देखो 24 कारपेट लेकर आया, वो भी देखो मैजेंटा कलर की, देख रहे हो, मतलब इतनी प्यारी मैंने शिप बनाई है पिछली वीडियो में, तो भाई उसका कुछ तो फ़ायदा हो ना, मतलब देख रहे हो। देखो दो दो ब्लॉक करके लगाना है, ठीक है, सही से देख लेना पैटर्न अगर कोई बनाए तो। चलो भाई यही सेम चीज़ उस साइड, दो ब्लॉक छोड़ कर लगाया, फिर दो ब्लॉक छोड़ कर लगाया, फिर दो ब्लॉक छोड़ के लगाया, ठीक है, दो ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर लगाया, यहाँ पर, और फिर लगाया यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करने का आप, मतलब सिंपल है भाई, सिंपल 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 सिंपल। ये तोड़ लेना है यहाँ से, यहाँ से हमें चार ब्लॉक नीचे जाना है, ठीक है, चार ब्लॉक। आई थिंक ये मैंने नीचे भर दिया है, तो क्या मतलब ये मैंने खोखला काम क्यों किया है, अरे ये तो ऐसे ही मतलब है, थोड़ा बहुत तो जापे मारी कर ही सकते हैं ना, मतलब आटे में नमक जितना झूठ चलता है। चलो भाई इसको ऐसे करते हैं, खिचिक खिचिक टिचुक टिचुक, ठीक है। तो कितने ब्लॉक है, तीन ब्लॉक है, तो मैं एक ब्लॉक और नीचे जाना पड़ेगा, बिना बिना सोचे समझे सीधा पहुंच जाओ एक ब्लॉक नीचे, ये बात। अब देखो जब हम सोच रहे हैं कि सारा काम प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, तो भाई ये ग्रास ब्लॉक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पर लगानी है अपनी स्टोन ब्रेक बढ़िया करके। वैसे ये मैंने सामने नहीं लगाना था, ये तोड़ना ही है भाई, मैं क्यों करता हूँ ऐसी हरकतें, मेरे को लिटरली पसंद नहीं आती भाई, मैं अपना दिमाग क्यों लगाता हूँ इतना भयंकर वाला। कभी कभी ना मेरा प्रॉपर काम करने वाला है जो स्टाइल है ना, मतलब ये मुझे बर्बाद करके मानेगा। चलो भाई अब ना मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर, मैं फिर से पानी लाना भूल गया हूँ। हम लोग कितने बकेट पानी चाहिए, एक सेकंड, एक दो, दो आई थिंक मेरे को चाहिए, दो चाहिए, नहीं दो नहीं चार चाहिए, चार चार बकेट और चाहिए मेरे को वाटर। हाँ क्या बात है भाई, वो क्या कर रही है, ले जाऊंगा, रुक जा, डर मत तू, तेरे को कोई नहीं मारेगा। ओ यार कितनी प्यारे से म्याऊ कर रही है, देख रहे हो कितना हो गया। अरे यार दो ही आई हैं अभी, तो अंडर चेस्ट में रखना पड़ेगा सारा सामान, स्टोन फेंक दिए मैंने। चलते हैं भाई, स्टोन हमारे पास बहुत बतेरे पड़े हैं, ठीक है, स्टोन की कभी नहीं है मेरे पास। चल बिल्ली तर, तू अंडर रही है ना अकेले, तेरे को लेकर चलते हैं अपन लोग क्रीपर के बगल में। तो भाई भाई ये वाली ताकत हमें भी दो ना भाई, टेलीपोर्टेशन वाली भाई, जो तुमने बिल्ली को दे रखी है, माइन काट वालो कुछ तो करो हमारे लिए, ये वाली पावर हमको भी चाहिए भाई, टेलीपोर्टेशन वाली, जो तुमने बिल्ली और कुत्ते को दे रखी है। चल बैठ जा तू चुपचाप से। चलो भाई तो अब हमें यहाँ वाटर डालना है, ठीक है, दो बकेट निकाल के मस्त कुछ इस तरीके से। और अब ना जहाँ तक ये वाटर जा रहा है, ठीक है, जहाँ तक ये वाटर जा रहा है वहाँ तक हमें करना है डिग, ठीक है, कुछ इस तरीके से, नहीं सबल से नहीं, इससे करना है। तो इस तरीके से देखो यहाँ तक वाटर आ रहा है, यहाँ तक मैंने डिग कर दिया, ठीक है। और ये जो मैंने हरकत करी है ये आपको नहीं करनी है, बट आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। मैं फिर से ये हरकत करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी अकल में कुछ आइडिया आया है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे ये। अब सोच रहा हूँ भाई काम कर ही रहे तो भाई क्यों ना सारा काम प्रॉपर किया जाए, है ना, अब जब काम कर ही रहे तो भाई अच्छे से किया जाए, है कि नहीं, कंजूसी क्या करनी है भाई। देखो हम ऐसी जगह पर भी ऐसे ब्लॉक वेस्ट कर देते हैं, मतलब इसे कहते हैं लेजेंडरी। चलो भाई सो भाई सो भाई सो, चलो कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही मैंने टेम्पररी हटाए हैं वो ब्लॉक्स, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम हटाना चाहो तो हटा दो, नहीं हटाना चाहते तो नहीं हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, और मैंने लुक के लिए किया है सब, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, आगे के लिए, और यहाँ से इसको वैसे ये इतना नहीं तोड़ना था, मैंने थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर दी है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। अब इसको वापस से लगा लेते हैं, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई, अच्छा इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे को वहाँ पे डर्ट नहीं लगानी थी, वहाँ पर मेरे को लगाने थे ब्रेक्स, ठीक है। अपनी अभी भाई हरकतें होती है मेरे साथ,
अब ये वाली जो लेयर है ये पूरी हटा देंगे हम लोग और यहाँ पर लगा देंगे स्टोन, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी तुम्हें वाटर लगाना है और आगे वहाँ तक डिक करना है जहाँ तक, हाँ समझ गए समझ गए, समझदार हो भाई तुम लोग, समझदार हो भाई, जहाँ तक वाटर जाता है ना, बस मुझे मालूम है भाई आप लोग समझदार हो। अब देखो करने का क्या है, अपने को ये वाली जो लेयर है ना ये पूरी हटानी है, ठीक है। हटाने का कोई ऐसा खास रीज़न नहीं है, बस यहाँ पर हमें स्टोन लगाना है बस थोड़ा लुक के लिए, ठीक है, ताकि हरकतें ना हो, समझ रहे हो गए आप लोग, है ना, क्योंकि हरकतें रहेंगी तो फिर दिक्कत वाली बात है। अरे यार अब ये चीज़ भी अजीब लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कंजूसी नहीं करते हैं, पूरी लगा लेते हैं, चलो हटाओ, खामखा कंजूसी करके क्या ही मिलेगा मेरे को, यही इस तरीके से लगाते जाना है, लगाते जाना है, लगाते जाना है, जब तक ब्लॉक ख़त्म ना हो जाए, मतलब ब्लॉक इनफ रखो ना भाई, ख़त्म होंगे ही नहीं, डरते क्यों तुम लोग भाई। ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ कहाँ से आ रही है भाई, और स्पॉन हो गई क्या? ओ अच्छा अच्छा समझ आया समझ आया समझ आया मेरे को, इसके ऊपर है ना बिल्लियाँ, बिल्लियाँ नहीं बिल्ली, चलो भाई अरे ज़्यादा मूवमेंट नहीं, चलो भाई अब क्या करना है, ये जो है ना अब वही चीज़ करनी है जो मैंने ऊपर की थी, ठीक है। ये वाले ब्लॉक हटाकर हम अपने वाले लेजेंडरी ब्लॉक्स लगाएंगे, ठीक है, कुछ ये वाले, जिससे कि लुक बना रहे, ठीक है, लुक बने रहना चाहिए हर चीज़ का। चलो भाई चलते हैं, अब ऐसा है ना यहाँ पे इसको कवर करने का टाइम आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे वॉल, समझ रहे हो किस तरीके से, वो देखना रहेगा। यहाँ तक हमें वॉल बनानी है, ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप सभी से वॉल बनाकर। लोग हो चुका है, देखो कवर पूरी तरफ से कर लिया हमने, ठीक है, पूरी तरह से, सॉरी तरफ से बोल रहा हूँ मैं भी ना, बोलते बोलते पगला जाता हूँ भाई, मुझे माफ़ कर दो, क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी, हरकतें मेरी नहीं सुधर सकती। चलो फटाफट चलते हैं भाई अपन लोग, ठीक है, बाहर की तरफ चलते हैं और देख कर आते एक बार बाहर का मौसम क्या है। मैं मजाक कर रहा था गाइस, मौसम देखने नहीं, मैं कैंप फायर लेने गया था, ठीक, तो आपको ये सब हरकतें करनी नहीं है, ठीक है, मौसम मौसम देखने नहीं जाना है, आपको कैंप फायर लेकर आ जानी है, वो भी ये वाली ब्लू वाली, ठीक है, जो कि हमारी बनती है सोल सैंड से, तो अगर आप मौसम देखने जा रहे हो तो सोल सैंड वाली कैंप फायर लेकर आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना भाई कुछ नहीं, अपने को भाई कलेक्टिंग सिस्टम बनाना है यहाँ पर, ठीक है, जिससे हमारा गन पाउडर हमारे पास प्यार से आ सके, समझ रहे हो, क्योंकि अब देखो हमने वो तो कर लिया कि क्रीपर वहाँ से ऊपर से आएंगे और यहाँ पर आने के सहारे यहाँ तक आएंगे, अब आप समझ रहे हो यहाँ पर हमें अपनी कारिस्तानी करनी है। रुको पहले, कुछ ज़्यादा ही उजाला हो रहा है, हम टॉर्च लगा लेते हैं हाथों में ताकि अंधेरा हो जाए, ठीक है। चलो भाई लोग हमें कुछ इस तरीके से यहाँ से खोदना है, दो, मैं भी ना अपने मैथ से डरता हूँ कभी कभी कि मैं कोई इतिहास ना रच दूँ इस तरीके से, एक ये दो भाई, कभी सवाल एकदम परफेक्ट है भाई, परफेक्ट टिक करती है भाई परफेक्ट, और कभी कभी भाई हरकतें होती है भाई, कभी कभी क्या होती है भाई हरकतें। चलो ठीक है ओके, हाँ अब देखो अब कुछ नहीं भाई, ये देखो अब देखना सबर का कमाल देखना यहाँ पर, देखा मतलब इंस्टेंट रूम मेकिंग, समझ रहे हो, इंस्टेंट रूम मेकिंग इज क्या, मतलब इंग्लिश इतनी खतरनाक है कि सारे लोग वीडियो छोड़ के जा रहे हो,
बचाओ भाई लोगों। चलो कोई नहीं, थोड़े बहुत ड्रामे करते रहने चाहिए क्योंकि ड्रामा भी जरूरी है। अब यार मेरे को थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा मेरे को ना अपना मतलब लगाना पड़ेगा IQ, मतलब डेंजरस वाला। मतलब यहाँ से हमको 35 ब्लॉक नीचे जाना होगा। क्या मतलब घबरा गए? मजाक कर रहा हूँ भाई, 2 ब्लॉक नीचे जाना है सिर्फ। यार मेरी ऑडियंस तो खतरनाक लोगों की है भाई, फिर घबरा क्यों जाते हैं? चलो भाई फटाफट फटाफट क्लियर करते हैं इसको, है ना, क्योंकि अब तो वैसे भी ज़्यादा टाइम लगना नहीं है भाई स्टोन स्टोन को क्लियर करने में, क्योंकि भाई इतनी डेंजरस पिकेक्स कब काम आएगी। और भाई ये देखो देखो, सबल काफ़ी डेंजरस है भाई, सबल हर किसी चीज़ से डेंजरस है भाई, मजाक से हट के भाई सबल का देख रहे हो भाई, सबल बहुत डेंजरस है भाई, मजाक से हट के भाई कसम से बता रहा हूँ, सबल से ज़्यादा खतरनाक मुझे कुछ नहीं लगता भाई, कुछ भी नहीं लगता। चलो भाई पिकेक्स निकालते हैं, आ जा और फटाफट से स्टोन क्लियर करते हैं, और ना थोड़ा कलेक्टिव सिस्टम का भी देखना है भाई, है कि नहीं, क्योंकि ये भी मैटर करता है भाई, मैटर करता है ब्रदर। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से तोड़ लेना है आपको कुछ ब्लॉक ऐसे, और यहाँ पर आपको वापस से ये, यहाँ पर आप कोई भी ब्लॉक लगा सकते हो जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, आप यहाँ पर डायमंड का ब्लॉक भी लगा सकते हो अगर आप ज़्यादा अमीर हो तो, बट मैं तो नहीं हूँ इसलिए मैं गरीबों वाले लगाऊंगा। और यहाँ पर आपको अपने तिलस्मी चेस्ट निकाल लेनी है, तिलस्मी नहीं तो नॉर्मल निकाल लो, पर आपको लगा लेने कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके ऊपर आपको लगा देने हैं ऐसे होपर, जैसे कि ऊपर का सारा माल पानी अंदर चेस्ट में आ जाए, और आप फिर उस गन पाउडर से अपना पूरा वर्ल्ड उड़ा दो। और फिर आपको ये जादुई कैंप फायर को इस तरीके से लगा देनी है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, इससे जलने की आवाज़ आनी चाहिए ऐसी चुस चुस जैसी, समझ रहे हो? मजाक कर रहे हो भाई, कुछ नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है भाई। भाई यार ये देखो इसका धुआं कितना रियलिस्टिक लगता है, नहीं मतलब अगर हमें ऐसे फैक्ट्री वैक्ट्री बनानी हो माइनक्राफ्ट में तो अपन लोग बना सकते हैं इससे, मतलब उसकी चिमनी में ऐसे लगा दो कैंप फायर, मस्त भाई एकदम रियल लगे भाई, एकदम धुआं धुआं मतलब, और आप चिक लगे भाई एकदम बढ़िया मस्त। अब इधर से ना मेरे को थोड़ा थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार मेरे को, है ना, कि किस तरीके से करना है क्या करना है भाई, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा यहाँ एडजस्टमेंट वाला सीन ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है भाई, जहाँ पर आती है ना बात ऐसी ब्लॉक ब्लॉक लगाना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो जाता है। चलो कोई नहीं भाई, कर लेते हैं इसको, ठीक है, फटाफट से फटाफट करते हैं भाई, 2 मिनट के अंदर मिलता हूँ आप सभी से। भाई लोग रूम का थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो मैंने कर दिया है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई ज़्यादा बचा नहीं काम, ठीक है, एडजस्टमेंट करने वाला सीन कुछ ज़्यादा नहीं बचा अपने पास, ठीक है। अब फटाफट से चलते हैं भाई, और थोड़ी बहुत ना ये थोड़ा मैंने गलती कर दी, मैं लाना भूल गया, ठीक है, मैंने लेडर्स लाना भूल गया। क्या लाना भूल गया भाई? लेडर्स, ठीक है, कुछ गलत मैं समझ लेना, मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है भाई, कुछ ज़्यादा ही तगड़ा सी चीज़ समझ लेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो भाई चलते हैं ऊपर। और यार मैं सोच रहा हूँ ना लाइव करने की यार जल्दी, अगर कोई यहाँ तक मेरी वीडियो बनाना हुआ है तो भाई मेरे को कुछ बताना भाई, आइडिया देना भाई कुछ, मुझे लाइव करनी चाहिए क्या चाहिए क्या, और लाइव करनी चाहिए तो क्या फेस कैम के साथ करनी चाहिए या विदाउट फेस करनी चाहिए, ये भी मेरे को बताना भाई, क्योंकि ये मेरे दोस्त बोल रहे हैं भाई कि लाइव करो भाई, मतलब जो मेरे थोड़े करीबी दोस्त हैं वो मेरे को बोल रहे हैं कि भाई लाइव करना चाहिए तेरे को, लाइव करना चाहिए,
वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा है भाई लाइफ पे ऐसा। तो चलो भाई ये बिल्ली को ना फटाफट से तमाचा मारते खींच के। नहीं यार क्यों मारूंगा तेरे को तमाचा, तू कितनी क्यूट दिखती है यार, तेरे दोनों कान फाड़ फूड़ के फेंक दूंगा। अरे भाई उसने रिप्लाई किया, कह रही है मत करो ना प्लीज। चल हाँ हाँ चल चल ठीक है, नहीं करेंगे ब्रो मत, चल इधर आ जा, पीछे पीछे आ जा वरना कर दूंगा। अरे नहीं करूँगा नहीं करूँगा, चल कोई बात, तू रोया मत कर, तू तू रोती है फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ ये बात है, ऐसे हंसती रह कर, तू बस हंसती रह कर हंसते हुए अच्छी लगती है। ले तू तू खेल बस, तू बस खेलती रह कर, चिपी चिपी चापा चापा। चल 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 चल, क्या हुआ? अरे अरे कुछ नहीं कर रहा कुछ नहीं कर रहा, बैठा रहा हूँ बस तेरे को। नहीं नहीं तेरे को मारूंगा नहीं, टेंशन मत ले। डर गई बेचारी, कह रही है मुझे मारना मत, बताओ ये भगवान, आजकल की छोटी छोटी बच्चियाँ भी ना डर जाती है। अरे अरे देखा क्या बोल रही है, मतलब बोल रही है कि मतलब मैं डरती ही नहीं हूँ। वाओ नहीं ऐसी बिल्लियाँ होनी चाहिए, कह रही है मैं शेर से वन वन करती हूँ। अब देख लो तो यहाँ पर ट्रैप डोर लगाना शुरू कर दिया, ठीक है इसके ऊपर कुछ तरीके से तो नहीं लगाने हैं आपको, अभी मैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ उस तरीके से लगाने हैं आपको, ठीक है इस तरीके से आपको ट्रैप डोर लगा देने हैं। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से सारे ट्रैप डोर कवर करके, ठीक है। मतलब ट्रैप डोर लग के रेडी हो चुकी हूँ, ठीक है। और ट्रैप डोर आपको इस तरह लगाने हैं भाई, देखो जो बीच वाला एरिया भाई वहाँ पर आपको नहीं लगाने हैं ट्रैप डोर, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रैप डोर नहीं लगाने हैं, या फिर आपको लगाने हैं या फिर आपको नहीं लगाने हैं, आपको लगाने हैं, ठीक है सीधी बात, ज़्यादा घुमाना नहीं चाहिए, बता दे एंड में कन्फ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पर ब्लॉक से इसको कवर कर लेते हैं पूरा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप सभी से इसको ब्लॉक से कवर करके, ठीक है। तो भाई अब देखो अब क्या है ना भाई, सिंपल तरीका है, देखो यहाँ पर आपने जैसे वहाँ पे लगाए थे ट्रैप डोर, उसी सेम तरीके से यहाँ पर भी आपको लगा देने हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्यों लगा रहा हूँ, देखो वैसे तो ये ऐसा है कि अगर तुम इसका सिंगल फ्लोर ही बनाओ तो अच्छा वर्क करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डबल फ्लोर बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा है डबल फ्लोर वाला बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको अभी के लिए फ़िलहाल के लिए तो इसको बंद कर देना है ट्रैप डोर, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ भाई आपसे डबल फ्लोर बना के, ठीक है। और बिल्लियाँ बिल्लियाँ डालकर सब कुछ, क्योंकि भाई बिल्लियों में काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब होने वाला है, ठीक है। तो भाई लोग ये देखो भाई बन के रेडी हो चुका है, ठीक है, पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। ओके देखो दूसरे फ्लोर में कुछ भी नहीं था भाई, पहला फ्लोर मैंने आपको पूरा बना कर दिखाया है, ठीक है। दूसरे फ्लोर में बिल्कुल सेम चीज़ करनी थी भाई, बिल्कुल सेम चीज़ भाई, कोई भी एक अलग चीज़ नहीं भाई जिससे कुछ अलग बात हो, ठीक है। और हाँ एक चीज़ यहाँ, और AFK जाने से पहले आपको बता दूँ, जहाँ पे आपका बना है ना, जिस जिस एरिया से जिस ब्लॉक से बनना चालू हुआ है तुम्हारा वो फार्म, वहाँ से 120 ब्लॉक्स ऊपर जाना है आपको, ठीक है। 120 ब्लॉक्स ऊपर जाना है, वहाँ पर जाके आपको AFK करना है, ठीक है। और ध्यान रखना कि तुम पता चले मेरी तरह मेरी वाली गलती करो, मैं अंदर से ट्रैप डोर ही खोलना भूल गया था, बंद ही रह गए थे,
तो भाई ये गलती आप मत करना, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ट्रैप डोर खोल लेना, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं भाई। और हाँ, मैंने एक गलती और कर दी, मान लो, ओ भाई कितना खूबसूरत, ये देखो कितना खूबसूरत नहीं लग रहा वर्ल्ड मेरा, मैंने एक गलती और कर दी, ये देखो यहाँ पर मैं बना सामान बनाने के लिए तो आया था, लेकिन मेरे पास सामान में कम पड़ा था मेरे पास, ठीक है। तो अब भाई मैं अभी भी देखो गेट लाना भूल गया, तो भाई अब मैं यहाँ पे खुद को कवर कर लूँ और AFK रख दूँगा, ठीक है, AFK करते जा रहा हूँ और वीडियो एडिटिंग भी करनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें अपने सभी माइनक्राफ्ट फ्रेंड्स को। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।